आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है एकदम चिल्ड मिल्क, दो नेस्कैफे के पाउच, थोड़ी सी शक्कर, ये 2 चम्मच शक्कर है, हर्शीज का चॉकलेट सिरप डेकोरेशन में, और ये मैं ले रही हूँ वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है कोल्ड कॉफ़ी का, और कुछ आइस क्यूब्स। चलिए बनाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेंबर्स के लिए बनाना है तो आप ये बड़ा वाला जार ले सकते हैं, पर मैं यहाँ मीडियम साइज़ का जार ले रही हूँ। सबसे पहले जार में मैं शक्कर डाल रही हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी घुल जाए। तो शक्कर हमारी ब्लेंड हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपने 2 कॉफ़ी के पाउच। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, मैंने नेस्कैफे का पाउच लिया है। अब मैं बिल्कुल चिल्ड मिल्क इसमें डाल रही हूँ 1 ग्लास। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 आइस क्यूब्स, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 2 चम्मच वनीला आइसक्रीम ऐड करूँगी। इससे कोल्ड कॉफ़ी का जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत इन्हांस होता है। सो मैंने आइसक्रीम मिला के इसे बस थोड़ा सा ब्लेंड करना है। हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने ग्लास फ्रीज़र में रखा था। अब मैं हर्शीज़ के चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेशन दूंगी। कुछ इस तरह से इसका डेकोरेशन करना है, मैं कर रही हूँ। सो ऐसे राउंड राउंड करके पूरे ग्लास को कवर करना है। अब मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें जो बाकी बची हुई आइसक्रीम थी मैं वो इसके ऊपर से डाल रही हूँ। 2 चम्मच आइसक्रीम मैंने ऐड कर लिया। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने फिर से चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल दिया है। तो बस हमारी कॉफ़ी रेडी है, और ये मेरी फेवरेट है समर्स के लिए, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे।